कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज धरना स्थल पर ललित मोदी मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर जोरदार हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि सुषमा स्वराज ने ललित मोदी की मदद चुपचाप की, जिसकी जानकारी मंत्रालय में किसी को नहीं थी। राहुल गांधी ने कहा कि कल सुषमा स्वराज ने सवाल पूछा था कि सोनिया गांधी उनकी जगह होती तो क्या करती। सोनिया गांधी ऐसा कतई नहीं करती जैसा आपने किया है। बॉर्डर में जारी घुसपैठ और आतंकी हमलों के बीच शुक्रवार को श्रीनगर में एक बार फिर इस्लामिक स्टेट के झंडे नजर आए। यह लगातार चौथा मौका है जब जुमे की नमाज के बाद श्रीनगर में इस आतंकी संगठन के झंडे दिखाए गए हैं। जो झंडे दिखाए गए उन पर लिखा था ISJK जल्द आ रहा है। श्रीनगर के जामिया मस्जिद इलाके में एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के झंडे भी नजर आए। देश के शीर्ष उद्योगपतियों में से एक और राज्यसभा के सांसद राहुल बजाज ने एक न्यूज चैनल से की गई खास बातचीत में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए तल्ख शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि पिछले साल ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में आने वाली एनडीए सरकार अपनी चमक खोती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के लंच का न्योता स्वीकार कर लिया है। कोयस गार्डन में स्थित मुख्यमंत्री के घर पर होने वाली इस मुलाकात पर राजनीतिक खेमे की नजर है और इस लंच से भाजपा और जयललिता के बीच एक अहम कूटनीतिक गठबंधन की उम्मीद की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बात पर साफ इनकार कर दिया है कि फरार माफिया मुश्ताक उर्फ टाइगर मेमन ने अपनी मां को फोन कर अपने भाई याकूब मेमन को मिली फांसी की सजा का बदला लेने की बात कही है। उच्च अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार मुंबई में 1993 में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मुख्य आरोपी याकूब खान उर्फ येडा याकूब की पाकिस्तान के कराची में मौत हो गई है। मुंबई पुलिस आयुक्त राकेश मारिया ने आज कहा, पुलिस को गत बुधवार को मुखबिरों के जरिए येडा याकूब की मौत की खबर मिली। पुलिस सूत्रों के अनुसार दिल का दौरा पड़ने के बाद उसकी मौत हुई। हॉलीवुड फिल्म मिशन इम्पॉसिबल रॉक नेशन सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। यह 1996 में रिलीज हुई मिशन इम्पॉसिबल का पांचवा पार्ट है। टॉम क्रूज 53 साल के हो चुके हैं, लेकिन फिल्म में उनकी स्फूर्ति, एक्शन और स्टाइल उम्र को मात देती नजर आ रही है। यदि आप टॉम क्रूज के फैन हैं, तो बेशक इस फिल्म को देखने जा सकते हैं। इसके अलावा फिल्म के जबरदस्त एक्शन सीन्स और खूबसूरत लोकेशंस के लिए भी इसे देखा जा सकता है। यह एक फुल ऑन पैसा वसूल मूवी है। It's a wonderful thing, and I'm happy that I get...